इकोसिस्टम उन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक समुदाय होता है जो अपने आसपास के वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम की शुरुआत पेड़ पौधों से होती है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ग्रहण करते हैं। इसके बाद सूरज की एनर्जी का यूज करते हुए ये एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसलिए एक इकोसिस्टम के अंदर इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफ्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉलिक्यूल्स किसी भी इकोसिस्टम के सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रदान करते हैं। बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उन्हें हम कंज्यूमर्स या हेटरोट्रोफ्स कहते हैं। इकोसिस्टम में बहुत से मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी के साथ साथ साइकिल होते रहते हैं क्योंकि कई ऑर्गेनिजम्स उन्हें एक जीव से दूसरे जीव को ट्रांसफर करते रहते हैं। एनर्जी ट्रांसफर का एक साधारण सा उदाहरण होगा जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। खाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स या एनर्जी या तो हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ दी जाती है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में मल द्वारा निकल जाती है और बचे हुए मॉलिक्यूल्स खाने वाले ऑर्गेनिज्म के बायोमास में शामिल हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म के मरने और उसके विघटन के बाद साइकिल पूरी होती है। ये प्रक्रिया सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके बदले में वातावरण और प्रोड्यूसर्स को कई आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इकोसिस्टम काफी डायनेमिक होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की संख्या हमेशा बढ़ती या घटती रहती है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बदलती रहती हैं। कुछ इकोसिस्टम काफी स्टेबल होते हैं, लंबे समय के अंतराल में बहुत कम बदलते हैं। सामान्यतः जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी यानी विविधता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ऐसे इकोसिस्टम्स नॉर्मली प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े पैमाने पर आग लगने पर ही बदलते हैं। लेकिन ये ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि समय बीतने के साथ ये इकोसिस्टम्स फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। कोरल रीफ्स एक डाइवर्स इकोसिस्टम का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये लगभग 50 करोड़ साल से अस्तित्व में है। कोरल्स वास्तव में कुछ सूक्ष्म एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। इस इकोसिस्टम में एल्गी प्रोड्यूसर्स होते हैं। व्हील शार्क से लेकर पिस्टल श्रिम्प तक, सी कुकुम्बर से लेकर फाइटोप्लैंकटन तक, इस इकोसिस्टम में इतने सारे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जितने कि एक क्लाउन फिश के डीएनए में बेसिस नहीं होते।